नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद। इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही आसानी से फ्री में एक वर्डप्रेस साइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस साइट किसी भी चीज के लिए हो सकती है, या कोई चीज बेचने के लिए सेलिंग वाली साइट, या कोई ब्लॉग लिखने के लिए। अगर आप शिक्षक या प्रोफेसर हैं तो विद्यार्थियों के साथ अपने नोट्स, असाइनमेंट, वीडियोस, क्वेश्चन बैंक, बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं। अलग अलग प्रोफेशन के अनुसार अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वर्डप्रेस साइट बनाना। सर्वप्रथम आपको गूगल पर wordpress.com टाइप करना है और एंटर करना है। जैसे आप wordpress.com एंटर करते हैं तो यहाँ राइट हैंड कॉर्नर में ये बटन है गेट स्टार्टेड, इस पे आपको क्लिक करना है। या नीचे भी ऑप्शन है, यहां भी क्लिक कर सकते हैं। अभी ओपन हो गया है इसका। अब इसके फाइव स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में है हेलो, लेट्स क्रिएट योर न्यू साइट। दो ऑप्शंस है हमारे पास, एक ब्लॉग का जिसमें हम अपने विचार अलग अलग टॉपिक्स पे लिख सकते हैं, और स्टार्ट विद द वेबसाइट। तो हम स्टार्ट विद द वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब हमें अपनी वेबसाइट को कोई एड्रेस देना है, साइट एड्रेस। तो अधिकतर हम लोग अपना नाम पसंद करते हैं, तो चलिए हम अपना नाम लिखेंगे। आप अपना लिख सकते हैं। जैसे हमने अपना नाम या जो हमें साइट को एड्रेस देना है वो टाइप करते हैं, तो ये अलग अलग ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, और इसमें से हम फ्री वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इनमें भी तीसरा स्टेप जो है, यहाँ बहुत सारे प्लान अवेलेबल हैं, फ्री प्लान, पर्सनल प्लान, प्रीमियम प्लान एंड बिजनेस प्लान। इसमें से हम फ्री वाला प्लान चूज करेंगे। यहाँ पे अगर हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो हमें अपना ईमेल आईडी, यूजर नेम जो हमने साइट एड्रेस के लिए लिखा था, और पासवर्ड लिखना है। क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने किया है, मैं अपना लॉगिन करूंगी। आप अपना एड्रेस, मेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड डालिए और अपना अकाउंट क्रिएट करिए। लॉगिन करने के लिए फिर से हमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। मैं अपना ईमेल आईडी सरिता वर्मा 8466@gmail.com एंटर करती हूँ, और पासवर्ड आप अपना डालिए। और लॉगिन करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आया है स्टार्ट विथ योर विथ अ वेबसाइट। यस, बहुत सारे थीम्स के ऑप्शंस हैं। हम किसी एक चीज को चूज कर सकते हैं। जिस प्रोफेशन में हैं आप उसके अकॉर्डिंग चूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने ऑलरेडी अपनी साइट को एड्रेस दिया है। अब मैं सरिता वर्मा, ये हमारा एडमिन का पेज आ गया है, इसमें प्रोफाइल पे जा रहे हैं हम। और एक इमेज कैसे ऐड करना है इसमें मैं आपको बताऊंगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम प्रोफाइल में अपना पिक ऐड कर सकते हैं, अपना इमेज ऐड कर सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, सरनेम, आपका जो वेबसाइट वर्डप्रेस का एड्रेस है, पब्लिक डिस्प्ले नेम वो लिख सकते हैं, अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं अबाउट मी, और इस तरह अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें अपनी इमेज कैसे ऐड करना है, यहाँ पे आप क्लिक टू चेंज फोटो, इस पर क्लिक करिए। आप अपना इमेज या जो भी आपको अपलोड करना है इस जगह पे
ऑलरेडी डेस्कटॉप पे सेव करिए जैसा कि मैंने सेव करके रखा है। यहाँ पे एक इमेज है टीम वर्मा, इसे हम क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, रोटेट फ्लिप, अगर कुछ भी नहीं करना, अगर करना है तो आप इसे कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी और सेंटर में लाके चेंज माय फोटो। जब तक फोटो अपलोड हो रही है, अब यहाँ पे अबाउट मी में आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, हाँ फोटो अपलोड हो गई है आप देख सकते हैं, और अबाउट मी में आप अपने बारे में शॉर्ट में लिख सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा है, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ मराठवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 21 ईयर्स। तो आप अपने बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये सब कम्प्लीट होने पर आप फिर से अपने साइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपना डैशबोर्ड देखना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर देखना चाहते हैं तो हैश बैकस्लैश डाल के wp-admin टाइप करना है, बैकस्लैश डालना है और एंटर। ये आपका डैशबोर्ड, इसमें आप चाहें तो बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस हैं, साइट पेजेस, ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं, थीम्स ऐड कर सकते हैं। थीम्स को अगर आपको चेंज करना है, आपका वेबसाइट का लुक बदलना है, तो इन थीम्स में से जो थीम आपको पसंद आए वो थीम अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये अपलोड किया है। आप सिलेक्ट करिए, और एक्टिवेट दिस डिजाइन। विजिट साइट पर क्लिक करेंगे। आपकी साइट का ये फर्स्ट पेज है, होम पेज, जहाँ पे रिसर्च मेनू में जो जो अवेलेबल है वो सब कुछ दिखाई देता है। रिसर्च, होम, अबाउट, पेज, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग, इन सब को आप डबल क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। होम पर क्लिक करने पर आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपके लिंक्स इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, और अपने वेबसाइट को बहुत आकर्षक और अपने आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। थैंक यू।